हेलो जी, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में और अपने चैनल मलिक फैमिली में। रास्ते में जाते रुके थे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वाटरफॉल था, बहुत प्यारा सा नज़ारा था। यहाँ पे हेलीपैड भी था आर्मी का, तो हमने सोचा भी चलो रुक के यहाँ के व्यू देखे जाएं और आप लोगों को भी दिखाए जाएं। तो आगे बने रहिए व्लॉग में। ये रास्ते में रुके, अब यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है केलांग के रास्ते में और वो पीछे वाटरफॉल। नेक्स्ट लेवल नज़ारे हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप लोगों को मेरे थ्रू। करिए बस, बिना बोले बिना सुने। पूरी ठंड मिलेगी आगे, बनावा तो क्या पाना पादरी ठंड। बस यहाँ आने वाला ही फील कर सकता है इस चीज को, फोन में तो हल्की फुल्की ही फील होगी लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा। पहले घूमे तो बहुत सारे हैं, कश्मीर, मनाली, शिमला, बद्रीनाथ, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब जगह घूमे हैं। यहाँ पे पहली बार आए हैं, पहले आते थे छोटे बच्चों के साथ, बच्चे छोटे थे, फैमिली आती थी सभी, जैसे बहनें आती थी, और अब की बार अकेली हूँ मैं, लेकिन बच्चे हैं तीन साथ में, बहन के दो बहन के, एक उसके नन का और एक जीजा, एक ये हम दोनों में अभी भी। तो क्योंकि बच्चों के साथ तो टेंशन रहती है, अभी बच्चे कहीं इधर चले जाएं, कदे उधर चले जाएं, कभी कुछ कभी कुछ, तो जो घूमने की उम्र होती है या तो शादी से पहले या फिर बच्चे बड़े हो जाएं तब अच्छी तरह से मज़ा लेना है, तो तभी मज़ा आता है। बच्चों के साथ तो थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन बच्चों के साथ आने का मज़ा भी अलग हुआ है, क्योंकि बच्चों का भी तो मन करता आने का। हालांकि मेरा बेटा आज कहीं और निकला, वो अपने दोस्तों के साथ है और हमारा प्लानिंग इनके साथ बन गई। तो गुड़िया अकेली थी, मैंने सोचा भी चलो कोई नहीं मैं भी चल पड़ती हूँ। एक से दो बोले, सभी दो लड़के थे इनका पापा था, मैं चलो मैं भी कर लेती हूँ इंजॉय नेचर को। और अब की बार बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये नई जगह है, नई जगह पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आते तो पहले भी नई जगह थे। अगर जैसे मनाली आए हैं तो जो वही रोहतांग पास, वही सोलंग नाला, वही सोलंग वैली या हिडिंबा मंदिर, हम वो कुछ नहीं देख के आए, हम डायरेक्ट सीधे निकले अटल टनल और आगे केलांग का रास्ता। उसमें आगे बहुत अच्छी अच्छी है, देखने वाइज कुछ नहीं है, यही है नेचर को फील करना, नेचर ही देखना, कि हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं होता हरियाणा कुरुक्षेत्र में, तो ये तो यही पे मिलते हैं आके। चले आगे बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए और आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ। कितनी बहाव से नदी आ रही है वो उधर से फॉल्स का पानी, हम नीचे आ गए थे फॉल्स और ये इधर सब चौड़ी नदी है और लोग बैठे एंजॉय फील कर रहे हैं इसको। नीचे आ गए थे बिल्कुल, नदी फुल स्पीड से बह रही है, क्या मस्त व्यू है, पैसे लगाए हुए पूरे हो जाएंगे यहाँ पे आए हुए। पास में नदी पूरी स्पीड से चल रही है क्या उठाया, चकमक पत्थर, चमकीले चमकीले पत्थर है, गोल मटोल से सब
अलग सी अलग तरह के, कितने हजारों सालों के बने हुए होंगे पहाड़। देखियो पत्थर मोटे मोटे गिर के आए हुए। हाँ ले ले पावर बैंक, ये तो मैंने अपना उसमें डाल लिया जब मैं ना डालू थी। एक मिनट। Hey guys, it's Nikhil here. It's Mayank. So, here we are at Sisu. And there's the Sisu Falls. As you can see, it's a huge fall. But we cannot go there, unfortunately. But we'll try if we can go there. And also you can see the pressure of this river. Just look at this. Beautiful. And you can see the weather here. It's awesome. It feels good here. Civilization is much lesser than we expected. It's peaceful here. Alright, we'll come again and we'll show you some more scenic beauties. So, for now, goodbye. करते हैं इस जगह को टाटा बाय बाय, क्योंकि आगे हमें झील और है और देखनी है। और ये पथरीले रास्तों से काफी सैलानी आए हुए हैं, यहाँ भी कुछ आ रहे कुछ जा रहे हैं। और सामने नजारे, पैर गिल्ले उड़ गए, अरे चाच उठ गया, बोतल भी फोड़ रखी जा रहे ने। ख्याल नहीं रखते, बियर दारू कैन सब कुछ ऐसे ही पड़े है। गाड़ी में गेर कर ले जी, अपनी बेच बाच दे क्यों फोड़ा उरा कांच कांच खिंडा दे। और पिंक फूल आए हुए हैं, कितने सुंदर फूल है। अले चढ़ो चढ़ो चढ़ो, चढ़ गए, इस रास्ते से चढ़ के आए। ओ आ जाओ, और भी बतेरे आवेंगे, आ जाओ। क्या खा रही है मोमोज? ये चल मैं नहीं खाया करती है, कच्चे पके हैं, खान के सोते हैं। क्या लेना है? जिमी ठंडी आई, ठंडी हवा। पूरी हवा चल रही थोड़ी तेज ठंडी, तुम पूछा तो आंधी आवे कहते खा रही है उरा आंधी। खेत मक्के बो रखे, मक्के मक्के की खेती कुछ तो करते हैं। बादल और बर्फ, समझ में नहीं आ रहा बर्फ है कि बादल। देखिए दोनों मिल गया, ठीक है। बीच में खड़ा हिमालय पर्वत में खड़ी थी, पर हम डाइव नहीं किए। यो पड़ा आदमी की पहुंच से बाहर, आदमी की पहुंच से बाहर है। Yeah.
हाउस है मेरे को लगा टेंट है। नहीं नहीं ये पोली हाउस है, ये सब्जियों के लिए है मेरे हिसाब से, छोटे पोली हाउस लगा रखे हैं बहुत सारे हैं। हाँ निचला जा रहे पोलिया उसमें स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है। फार्मिंग हो रही देख जंग में मतलब बचना के लिए कैंप है यू इनका। छोटा सा झरना चल रहा है यहाँ पे, पानी बहुत स्वाद है और काफी बड़ा उधर है। हम यहाँ से बोतल पानी के भर रहे हैं, शुद्ध पानी पहाड़ों का, बर्फ पिघल रही है बिल्कुल प्योर ये पानी। यू पानी कड़िया नहीं पान का अपने आरो भी नहीं दे के थे थोड़ा पानी भरने के लिए। हाँ दे रही हूँ दिया। पानी बहुत बढ़िया है और व्यू भी बहुत बढ़िया, मजे से आगे लेकिन चक्कर से आवा घूमी सी जावा फुल स्पीड से नदी। नेचर भी कुछ है, धरती पे सब कुछ है लेकिन कभी देखा नहीं था इतना जितना आप देख रहे हैं। कल 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 है देखियो केलांग पहुंच चुके हैं। आगे कौन सा और रास्ता? जिस्पा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ खाना केलांग में खा लो, आके खाना बढ़िया नहीं है, स्टे करेंगे। सुनो जिस्पा नहीं है खाना ना, जिस पर मैं इतना बढ़िया नहीं मिलेगा। रात ने तो खाना है, अगर रात का ही बगल का चला तो फिर देखेंगे, पहले दिन का तो देख लो। अरे भी गया पीछे, बहुत बढ़िया होटल, थोड़ा थोड़ा खा लो।
मोड़ो और रोक कर साइड में लगा के कटिए फिर आ जाएंगे पैरे पैरे। एक यूरा रेस्टोरेंट है, पार्किंग बियर भी है, ब्रेकफास्ट मेंटो डब्बा।